तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ, वो भी सुबह सुबह से। आज है दूसरा नवरात्रि और मैं कर रही हूँ पानी गरम सबके नहाने के लिए और बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ना यहाँ का पानी इतना ठंडा है ना कि हाथ लगाते ही करंट जैसा लग रहा है। और मम्मी और पापा जी और गुड्डू वहाँ से भर भर के पानी लेके आ रहे हैं। ये देखो सुबह सुबह जिम कर रहे हैं, सुबह शाम यहाँ जिम होता है। अरे वाह, तो ये तो सही है ना, जिम जाने की जरूरत नहीं है गाँव में, है ना। जाओ फटाफट, जिम नहीं जाता हूँ, मुझे पता है मैंने गांव जाना था, गांव में जिम बन जाएंगे। ओ बाबा, तारों को सिक्स पैक आ जाएंगे। सेट उतार के ही दिखा दो आप। नहीं, ठंड लग रही है। बाल्टी क्या है, डंबल? ठंड लग रही है, एक हल्की बाल्टी एक भारी। तो फटाफट आ जाओ, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, फटाफट नहा लेना। चाय बनाने जा रही है, पहले पानी गर्म करो ना, नहा लो फिर उसके बाद। अच्छा, पहले आप जिम कर लो फटाफट, लास्ट जाओ जाओ फटाफट पानी लेके आओ। हाँ, जल्दी जल्दी पानी लेके आ जाइए पहले, सुबह से लेके। सुबह सुबह जिम हो रहा है ना आपका पापा जी? हाँ ठीक है, पानी करना पड़ेगा बेटा, लेकिन ये भी सही है ना, सुबह सुबह वर्कआउट हो जा रहा है, वो आना ही सुबह रहे पानी, उसके बाद पानी नहीं आना है। सही बात। हाँ, तो यहाँ पे कैसा है मालूम है कि एक घंटे सुबह पानी आता है, एक घंटे शाम को पानी आता है। जिनके यहाँ नल है उनके यहाँ से हमें पानी जाके भरना पड़ता है। अब हमारे यहाँ लगाने की सोच रहे है ना पापा जी? लेकिन लगा के फायदा भी क्या, आना भी नहीं है हमको, आना है 4-5 दिन के लिए आना है, इसके बाद वापस चले जाना है, फिर मतलब ही नहीं लगा के। यहाँ पे लगा के जाएंगे, पता चला रहा नहीं रहा क्या। तो चलो फटाफट पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं और फिर चलते हैं हम मंदिर। मम्मी तेरे को बोला तो देखो, मम्मी कैसे ड्रम लेके आ रही, इतना बड़ा देखो, अब खुशी लेके आएगी। ले जा, भारी है ना, ले जल्दी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो गाइस, मैं आधा रेडी हो चुकी हूँ और आधा रेडी होना बाकी है अभी, क्योंकि अभी बना रही हूँ मैं चाय। यहाँ हमारी चाय पक रही है, ये देखो आंटी को देखो, सबसे ऊपर ये देखो कैसे काट रहे हैं, सबसे ऊपर चढ़ गए। मैं तो आधा चढ़ूंगी गिर जाऊंगी, इनको देख के ना लग रहा है नहीं, हाँ लेडीज भी कुछ कर सकती है। आग लगा दी, आग लगा दी। यहाँ पे देखो ये सारा उन्होंने ही काटा हुआ है, इतने ऊपर ऊपर चढ़ के। मैं सोच रही हूँ ना, अरे गिरेंगी 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 गिरेंगी, बट इतनी पतली पतली टहनियाँ ना उसपे भी टिके हुए, गिर ही नहीं रहे। ये ना पहाड़, जो लोग पहाड़ में रहते हैं ना उनका एक्सपीरियंस होता है, इतनी पतली पतली टहनी पे भी चढ़ जाते हैं अच्छे से, और मतलब उनको डर नहीं लगता है। जैसे हम कैसा एक भी थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ गए तो हमको डर लगता है, उनको तो डर ही नहीं लगता, क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस होता है हमेशा का, बचपन से लेके बड़े तक पहाड़ में ही रहे हुए हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ बेचारे गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, एक्सपीरियंस वेरी एक्सपीरियंस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं भी उठ चुका हूँ, तो सुबह से पानी पूनी भर के थक गया, नहा नहा के एकदम बढ़िया हो गया। तो अब चलते हैं चाय पीते हैं, खुशी ने चाय बनाई है, देखते कैसे चाय बनती है खुशी की। मनी चाय पी रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पे? मस्त। अच्छा लग रहा है? हाँ। यही पी रहेगा? नहीं नहीं, फिर क्या अच्छा लग रहा है तेरे को? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। बिना उठना नहीं, नहीं रहे फिर? सूट का कलर देखो निकल रहा है। तो ये देखो, ये सस्ते सूट ऑनलाइन वाले सूट है, ये ऑनलाइन वाला नहीं है, ठीक है। हाँ लेकर आई है खुशी और नाम। कहाँ से? 1200 का सूट है। 1200 का रंग ही निकल गया, तो अभी हम क्या करें फिर? बेकार। रंग पक्का होने से 200 वाले में भी पक्का होता है, और रंग रंग अगर कच्चा हो तो फिर 1500-2000 वाले में भी कच्चा रंग होता है। फिर दुकानदार तो वैसे ही बोलते हैं कि मतलब ये नहीं है वो नहीं है, दुकानदार के कहने पे नहीं, खुद देख के रहना चाहिए। तो खुद देख के लाई थी? मैं नहीं देखी थी। कौन देखा फिर? हम सब देखे थे। वुमेन। देखो ये बात नहीं है, अब क्या बना रही चाय? जो डार्क कलर रहता है ना, कितना चाय बनाएगी? सुबह चाय बनने जा रही है, चाय स्वाद बन रही है। ये देखो चूल्हे की चाय, इसको पता नहीं क्या स्वाद लग रही है आजकल। हाँ, चूल्हे का ही खाना स्वाद लगता है बाबा। सुबह से लेके अभी तक 3 बार चाय बना ली तूने, है ना?
अच्छा चूल्हे की चाय और चूल्हे का खाना स्वाद नहीं रहता है? सबसे ज्यादा रहता है मनी चाय स्वाद है, है? सच बोल रहा है? ऐसे ही बोल रहे हैं? गांव 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 के हिसाब से तो स्वाद है ना। शहर में सब कुछ मिलता है, गांव में कुछ रहता नहीं, फिर भी अच्छा बना है। देखा मेरा देवर झूठ नहीं बोलता है। ये देखो इसके काम। तो गाइस ये देखो पानी की इतनी कमी है कि हमें नीचे आना पड़ रहा है कपड़े धोने के लिए। परमोक ले अलग ले। हाँ मग से निकालूं? पूरा भरना है क्या इसको? हाँ भरो, खोलना है ना। घर में निकाल के खोलना क्या? चाचा जी बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं पानी। करना पड़ेगा। देखो ये देखो देखो ऐसे जाना पड़ता है डरपोक। देखा पानी कितना क्लीन, कितना साफ आ रहा है पानी अभी। चाचा जी तो निकाल दिए थे, अब कौन निकालेगा? गुड्डू देखना जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ। देखती हूँ, ट्राई नहीं करना है, अब यहीं हमको रहना है। ठीक है दूसरा पैर। गया टिकाया पैर। हाँ देखा मुझे आपने देना बाल्टी। चल लिया बाल्टी। शाबाश मेरे शेर। लिया बाल्टी अब करो मकरे। लो मेरे टुक्कू। ये देखो ये हुई ना बात, ये भी ना पहाड़ियों वाली बात। ये देखा तो कैसे डरते ना बहुत है, बहुत ज्यादा ही डरते हैं। रात को अगर सो रहे हैं ना, दरवाजा थोड़ा सा भी खुला है ना, हाँ दरवाजा खुला है, नहीं नहीं कोई आएगा तो ऐसे डरते हैं। मैं बोलती आप जा रहे हैं तो मैं अकेले सो जाऊंगी, नहीं कोई आ जाएगा, नहीं कोई आ जाएगा। मुझे इतनी हंसी आती, मैं अकेले सोने के लिए मतलब मैं निडर हूँ इतनी मैं सो जा रही हूँ, लेकिन ये डरपोक बहुत डरते हैं सच्ची में। तो गाइस मम्मी बोल रही थी ना यहाँ पे हमारी बहुत सारी जमीन है। गुड्डू दिखाना जमीन कौन सी है, कहाँ तक है जमीन से पता नहीं। मम्मी बोल रही थी मतलब आधा तो पता है, आधा पहाड़ पूरा है। जहाँ तक नजर जा रही है ऊपर पूरा वो अपनी है सारी, सब जहाँ से नजर जा रही है वो। देखना इधर से देखा, इधर से इधर घूम जाओ, ये जो बीच में पेड़ है ना इतना बड़ा, ये पहाड़ के पिछड़े पहाड़। अच्छा। आधा पहाड़ पूरा इधर से जहाँ तक नजर जा, इसके पीछे जो पहाड़ है ना वो भी सारा अपना है, सब अपना है। और नीचे देख, नीचे रोड, रोड भी अपना ही है। ये नीचे की रोड भी अपनी है, नीचे का जो पहाड़ है सब अपना। देखना ये सारी जमीन जहाँ तक हमारी नजर जा रही है ना वहाँ तक है पूरा अपना है। पहाड़ों में इतनी जमीन है हमारी, हाँ यहाँ पे तो सब कुछ खोल सकते हैं, स्कूल। हाँ स्कूल खोल, फार्म हाउस खोल, अपना फार्म हाउस और अपना फैक्ट्री, जो भी खोलना है खोल के बैठो। यहाँ पे अगर सुविधा होती ना। मैंने खोल दी जैकेट अपनी, जैकेट थोड़ी खोलने बोली मैं, स्कूल खोलने बोलने। अच्छा जैकेट तो गर्मी की वजह से खोली ना, अब वो वाली गर्मी लाओ ना जिससे स्कूल खुलते हैं। एक बाल्टी पानी भरा, गर्मी लग गई। ओ बाबा काम बहुत किया सुबह से आज। अच्छा हम दोनों काले पड़ गए, काले तो पहले से ही काले थे, ऊपर से यहाँ आने के बाद और ज्यादा काले हो गए। यहाँ देख यहाँ पतला हो जाने, पेट भी अंदर चले गए। गुड्डू एक चीज की कमी है, क्या बाल नहीं आए आपके? बाल मैंने लाने भी नहीं है। बिना बाल के ही आप स्मार्ट लगते हो। स्मार्ट तो मैं बचपन से हूँ, पगली अगर चेहरे पे रुमाल भी लगा लूँ ना तो लोग मुझे मेरे इधर तो टक्कू से पहचान जाते हैं। क्यों हिला डाला ना, इनका तो अलग ही है, जलवा है, जलवा जलवा है हमारा। अरे इधर धो लिया, अभी हम जाते हैं ऊपर, फिर वहां से हम निकलते हैं मंदिर के लिए। भाई सारे लोगों ने टीका लगा लिया है, बस बच गए। गुड्डू कब से बुला रही हूँ, कब से बुला रही हूँ, आ जाओ टीका लगा। नहीं फोन में ही बिजी है, तो चलो उनके पास ही चलते हैं। चल तो कटोरा में को टीका लगा के देखो, नहीं
थाल, अब गांव में थाल मिली नहीं इसके लिए कटोरे में बना। नेपाल को टीको, नेपाली टीका, नेपाल को टीको, नेपाली बोल रही है, नेपाली को टीको। सूख गया जत पति दे, फिर पति दे, पति दे, पति दे। आप ठीक रहोगे तो मैं सदा सुहागनी रहूंगी हमेशा, आपकी उम्र लंबी हो हमेशा, आप अच्छे से रहो, आपकी सेहत अच्छी रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी को देखना भालू लग रही, भालू बियर, टेडी बियर। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। एक दिन रात के लिए होता है ना, रात को व्यवस्था है यहाँ, ऐसा है ना दोपहर को हाँ बहुत अच्छी है, यहाँ दोपहर को ऐसे घूमो, रात को ऐसे ऐसे कर जाओ। इसलिए हमारा मुंह क्या बोलते हैं, बगुले से कौवा बन गया। बगुले से कौवा बन गया। तो चलो गाइस चलते हैं मंदिर, फिर वहां जाके मिलते हैं आपको। मम्मी को देखना, अकेले अकेले कौन खा रहा है। ये देखो मेरी मम्मी को, अकेले अकेले खा रहे, बोल रहे ये लोग बिजी है, मैं खा लेती हूँ फटाफट। तो गाइस ये देखो, ये है हमारा मेन मंदिर ना मम्मी, अच्छा मतलब हमारे जो कुल देवता हैं, ये मंदिर उनका है। और अभी हम यहाँ पे धूप जला रहे हैं। वैसे तो गुड्डू दिन में घर घर में हमेशा बजाते रहते हैं बैंड, जहाँ देखो वहाँ बजाते रहते हैं। अब असली जगह बजा के दिखाए तब पता चलेगा ना। चलो भाई अब माता रानी के दरबार में बजा के दिखाओ। असली जगह हमारे डायन बजाने की ये है, असली जगह देखो ये यहाँ मंदिर में, यहाँ बजाओ फिर सबसे पवित्र। घर में बजा के क्या फायदा, चलो जा चाचा जी बताएंगे कि कैसे बजाते हैं। चाचा जी को आता है, अब सिखाएंगे गुड्डू को। देखो छोटी को देखो, ये देखो, बजा 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 ये। तो अभी हम वापस आ गए हैं, अभी हम घर जा रहे हैं। तो कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, कुछ लोग आगे जा रहे हैं, ये देखो। तो अभी खाना होना खाते हैं, घर जाके सोते हैं, फिर अब कल मिलते हैं। अंधेरा हो गया यहाँ पे, देखो ऐसा अंधेरा है, अब मिलेंगे आप कल। अरे अरे ध्यान से आ गए तुम, चल 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 ध्यान से गिरना ध्यान से गिरना, फिर ऐसे क्यों गिर रही थी, गिरना ध्यान से गिर। तो गाइस अभी हम घर पहुंच गए हैं, ये देखो हमारा घर। तो सब लोग घर आ रहे हैं धीरे धीरे करके,
कोई कहीं पे घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है, अभी रात को सब पौधे पहुँचेंगे। तो अभी हम घर चलते हैं, खाना खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, फिर खाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, फिर हम मिलेंगे कल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं जल्दी से कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।